हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मयंक, माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, हमने कल चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया है, आज हम चैप्टर 9 शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा चैप्टर 9 क्या है। 9 में है अनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो फ्रेंड्स, हमने देखा है कि जनन की प्रक्रिया जो होती है उसके द्वारा एक नया जीव उत्पन्न होता है जो अपने जनक के समान होते हुए भी कुछ भिन्नता रखता है ना। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा इसी के बारे में, और हमने ये भी जाना कि अलैंगिक जनन में भी कुछ विभिन्नताएं जो हैं वो कैसे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो अधिकतम संख्या में जो सफल विभिन्नताएँ हैं वो लैंगिक प्रजनन के द्वारा प्राप्त होती हैं। और यदि हम मान लो हम किसी खेत में, मान लो हम गन्ने के खेत को ही देखें, तो हमें उसके पौधों में बहुत कम विभिन्नताएं दिखाई देंगी, पर मानव और बहुत सारे जीव जंतु जो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं, इनमें जो व्यष्टिगत मतलब एक जीव और दूसरे जीव है ना, तो इस स्तर पर हमें बहुत सारी भिन्नताएं देखने को मिल सकती हैं। कोई काला है, कोई गोरा है ना, कोई लंबा है, कोई बौना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम उन सारी क्रियाविधियों के बारे में पढ़ेंगे जिसके कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, और ये वंशागत होती हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। तो विभिन्नताओं के मतलब संचय होते रहने से और लंबे समय तक होने वाले जो अनुवर्ती प्रभाव होते हैं है ना, उसी के बारे में हम जानेंगे। और जैव विकास में हम इसका क्या महत्व है इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 9th का 9.1, जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। संचयन मतलब इकट्ठा होना है ना, एकत्रित होना। तो फ्रेंड्स, जनन के समय उत्पन्न विभिन्नताएं वंशानुगत हो सकती हैं। इन विभिन्नताओं के कारण जीव की उत्तरजीविता में वृद्धि हो सकती है। तो जो पहले वाली पीढ़ी है ना, उससे वंशागतिकी के द्वारा जो संतान है उसको एक स्पेशल आकारिकी या शारीरिकी जो है या डिजाइन बोला जाए तो वो प्राप्त होती है, उसमें कुछ विभिन्नताएं सम्मिलित होते जाती हैं, मिलते जाती हैं। तो ज़रा सोचिए कि इस नई पीढ़ी के मतलब जनन का क्या परिणाम होगा है ना। तो ये जो नई पीढ़ी जो है जिनमें विभिन्नताएं हैं वो अगर जनन करेंगी तो उससे क्या होगा। तो फ्रेंड्स, दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से जो विभिन्नताएं आई हैं और कुछ नई विभिन्नताएं जो हैं वो उत्पन्न होंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जब केवल एक जीव जनन करता है जैसे कि अलैंगिक जनन में होता है, तो यदि एक जीवाणु विभाजित होता है तो उसके परिणाम में दो जीवाणु उत्पन्न होंगे है ना, जो फिर से विभाजित होकर चार जीवाणु उत्पन्न करेंगे जिनमें आपस में बहुत अधिक समानताएं होंगी। ठीक है, उनमें आपस में बहुत कम अंतर होगा जो कि डीएनए प्रतिकृति के समय बहुत कम त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती हैं है ना। उनमें डीएनए जो रिप्लिकेशन के समय जो जीन विनिमय जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे तो उसी के द्वारा होता है। तो ये लैंगिक जनन होता है, तो मतलब जब अगर लैंगिक जनन होता है तो उसमें विविधता जो है वो अपेक्षाकृत और अधिक होगी। तो इसके बारे में हम कहाँ जानेंगे, तो इसके बारे में अनुवांशिकता के नियमों के बारे में जब पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा कि क्या किसी स्पीसीज में इन सभी विभिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है। तो फ्रेंड्स, निश्चित रूप से नहीं है, क्योंकि प्रकृति की विविधता के आधार पर जो अलग अलग जीव हैं वो अलग अलग प्रकार के उससे लाभ हो सकते हैं। जैसे कि कई जीव जैसे जीवाणु को ही ले ले, जो बहुत गर्मी सहन करने की क्षमता है ना उनमें उत्पन्न हो जाती, तो उनमें उनको क्या लाभ होता है, इससे वो गर्मी से बचने की संभावना उनकी अधिक हो जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये पर्यावरणीय जो कारक हैं उनके द्वारा कुछ परिवर्तन जीवों के शरीर में होता है जो कि चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार बनता है, और इसी के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। चलिए 9.2, अनुवांशिकता। फ्रेंड्स, जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या है, तो संतान उत्पन्न करना
और ऐसे संतान उत्पन्न करना जिनमें समान डिजाइन या समान अभिकल्पना होती है, एक जैसे दिखाई देते हैं, है ना। अनुवांशिकता नियम इस बात का निर्धारण करता है जिसके द्वारा अलग अलग लक्षण और पूरी विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए 9.2 का वन देखते हैं, वंशागत लक्षण। तो वास्तव में समानता और विभिन्नता में क्या अंतर है, इससे हमारा क्या अभिप्राय है बोलने का। तो हम जानते हैं कि शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं, है ना। फिर वही जो पूरी तरह से एक विकसित मानव के रूप में, मतलब जो शिशु है वही तो एक पूरी तरह से मानव बनता है ना। जो छोटा बच्चा रहेगा वही बड़ा होकर नर या मादा जो भी है तो वो उसका पूर्ण विकास होगा, और वो किसकी तरह होगा, अपने जनकों के जैसा होगा, या उसमें कुछ विभिन्नताएं भी होंगी। ठीक है, तो मानव समष्टि में ये विभिन्नताएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। कैसे, तो एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। कुछ लोगों के जो कान के कर्णपाली जिसको बोला जाता है, नीचे जो लटकता हुआ भाग होता है ना, तो वो यहाँ पर लिखा है स्वतंत्र तथा जुड़े कर्णपाली। आपने देखा होगा कि कई लोगों के कान जो हैं वो लटकते हुए होते हैं और किसी के ये कान के बगल में ऐसे चिपके हुए होते हैं, तो कान के निचले भाग को कर्णपाली कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लोगों में सिर के पार्श्व में पूर्ण रूप से जुड़ा होता है, परंतु कुछ में नहीं। जो मैंने बताया कि कुछ में ऐसे जुड़ा हुआ होता है, कुछ में लटकते रहता है। तो स्वतंत्र रूप से जुड़े कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्त हैं, मतलब ये एक उदाहरण है वंशागत लक्षण के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 9.2 का टू, लक्षणों की वंशागतिकी के नियम और उसमें मेंडल का योगदान। तो मानव में लक्षणों की वंशागतिकी के नियम इस बात पर आधारित हैं कि माता और पिता दोनों ही समान मात्रा में अनुवांशिक पदार्थ को शिशु में स्थानांतरित करते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जो प्रत्येक लक्षण है माता और पिता के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं, मतलब प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतान में दो विकल्प होंगे। फिर संतान में कौन सा लक्षण दिखाई देगा, तो मेंडल ने प्रयोग किया और इस प्रकार के वंशागतिकी के कुछ मुख्य जो नियम है उसको प्रस्तुत किए, और उन्होंने जो उनके प्रयोग है उसके बारे में उन्होंने एक काफ़ी लंबा चौड़ा जो लेख भी लिखा हुआ है। ठीक है, जो लगभग एक शताब्दी से पहले उनके प्रयोगों पर आधारित हैं। चलिए, जॉन मेंडल, जिनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो इनका जन्म 1822 में हुआ और मृत्यु 1884 में हुई। ठीक है, तो मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा एक गिरजाघर में हुई थी और वो वहाँ पर विज्ञान और गणित की पढ़ाई करते थे। फिर उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए वियना विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। फिर उनकी पढ़ाई और जो सर्टिफिकेट की परीक्षा होती है उसमें वो फेल हो गए, और उनकी वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति जो थी वो उनके, मतलब जो प्रवृत्ति थी वो तो दबा ही नहीं सकते। कोई भी किसी भी इंसान की जो प्रवृत्ति होती है वो उभर कर सामने आती ही है एक न एक दिन। तो वो अपने मोनेस्ट्री में वापस आ गए और वहाँ पर मटर पर प्रयोग करना शुरू किया। इससे पहले भी बहुत से वैज्ञानिकों ने मटर और जो जीवों के वंशागत गुण हैं उसका अध्ययन किया था, पर मेंडल ने अपने विज्ञान और गणितीय ज्ञान जो दोनों को मिलाकर, मतलब मिश्रित करके यहाँ पर उपयोग किया। वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक एक पौधे द्वारा जो प्रदर्शित लक्षण है उसका रिकॉर्ड रखा और गणना की। ठीक है, इससे उन्हें वंशागत नियमों के प्रतिपादन में सहायता मिली, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग किए, उन्होंने बहुत सारे विपर्यासी, मतलब विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया जो हमको बाहर से ही दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल के लिए गोल झुर्रीदार बीज, लंबे बौने पौधे, सफ़ेद बैंगनी फूल। तो इस तरह से लक्षणों वाले मटर के पौधों को उन्होंने लिया, जैसे कि लंबे पौधे और बौने पौधे।
तो इसे जो संतति प्राप्त हुई है उस मतलब वो उस पीढ़ी में लंबे और बौने दोनों पौधों के प्रतिशत की उन्होंने गणना की। चलिए हम ये डायग्राम से समझ लेते हैं इसको चित्र के माध्यम से। तो यहाँ पर आप देख रहे हो उन्होंने एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा लिया। लंबे पौधे को हम TT से कैपिटल T से प्रदर्शित कर रहे हैं और बौने पौधे को स्मॉल TT से। ठीक है, तो फिर उन्होंने पहली पीढ़ी में मतलब F1 पीढ़ी में, तो ये जो संतति पीढ़ी है मतलब F1 में कोई पौधा जो है उनको जब उन्होंने संकरण कराया इन दोनों का है ना क्रॉस कराया, तो प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी में उनको जो पौधे प्राप्त हुए उनमें कोई भी पौधा ऐसा नहीं था जो मध्यम ऊंचाई का हो। मतलब एक ऊंचा है, एक मतलब लंबा पौधा है, एक बौना पौधा है, तो होना चाहिए था कि दोनों के गुण जो हैं वो मिल जाए, मतलब एक मध्यम आकार का पौधा प्राप्त हो। लेकिन यहाँ पर उनको F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त हुआ, सभी पौधे लंबे थे मिले। तो इसका अर्थ ये है कि दो लक्षणों में से केवल केवल एक लक्षण दिखाई देता है और उन दोनों को मतलब उन दोनों का मिश्रित प्रभाव दिखाई नहीं देता। तो अगला प्रश्न ये था कि F1 पीढ़ी के पौधे अपने पैतृक जो लंबे पौधे हैं उससे पूरी तरह से समान थे, मतलब ये जो लंबा पौधा है उसी के समान थे। ठीक है, तो मेंडल ने अपने प्रयोगों में दोनों प्रकार के पैतृक पौधों और F1 पीढ़ी के पौधों को स्वपरागण के द्वारा उगाया, फिर से उगाया। यहाँ पर जो पैतृक पौधे हैं और जो F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधे हैं उनका फिर से स्वपरागण कराया। ठीक है, फिर पीछे देखते हैं, मैं एक डायग्राम यहाँ पर जगह कम पड़ गया इसलिए पीछे बनाई हूँ। तो F1 पीढ़ी के लंबे पौधे की दूसरी पीढ़ी की, ये जो F1 का पौधा जो पहली पीढ़ी का है और ये दूसरी पीढ़ी का पौधा प्राप्त हुआ, तो उसके बीच बीच क्रॉस कराया, संकरण कराया। ठीक है, तो F2 पीढ़ी मतलब दूसरी पीढ़ी के पौधे सभी क्या प्राप्त हुए, सभी लंबे पौधे नहीं थे बल्कि उसमें एक चौथाई जो पौधे थे वो लंबे थे, जबकि मतलब एक पौधा जो है वो बौना था। मतलब सभी लंबे नहीं थे, एक चौथाई पौधा जो है वो बौना प्राप्त हुआ उनको। ठीक है, तो ये दर्शाता है कि F1 पौधों के द्वारा लंबाई और बौनेपन दोनों के लक्षणों की वंशानुगति हुई है ना, पर केवल लंबाई वाला लक्षण ही व्यक्त हो पाया। इसीलिए लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में किसी भी लक्षण की दो प्रतिकृतियों की मतलब प्रतिकृतियों मतलब दो स्वरूप की वंशानुगति होती है और ये दोनों एक समान हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं, जो उनके जनक पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो इस परिकल्पना के आधार पर वंशानुगति का तैयार किया गया एक पैटर्न है जो कि आपको यहाँ पर चित्र में दिख रहा है। ठीक है, तो दो पीढ़ियों तक लक्षणों की वंशानुगति को यहाँ पर दिखाया गया है। फ्रेंड्स, इस व्याख्या में कैपिटल T और ये एक कैपिटल और एक स्मॉल T दोनों ही लंबे पौधे हैं, जबकि केवल जो दो स्मॉल T वाला पौधा है वो बौने पौधे हैं। दूसरे शब्दों में हम T की एक प्रति ही पौधे को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है, जबकि बौनेपन के लिए एक स्मॉल T की दोनों प्रतियां मतलब दोनों स्मॉल T होनी चाहिए। जैसे T के लक्षण प्रभावी लक्षण हुए, यहाँ पर दोनों T हुए और यहाँ पर एक कैपिटल T और एक स्मॉल T, जबकि यहाँ पर दोनों कैपिटल हैं और यहाँ पर दोनों स्मॉल हैं। ठीक है, तो T जैसे लक्षण मतलब ये वाले लक्षण तो ये प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, जबकि जो लक्षण स्मॉल T की तरह व्यवहार करते हैं वो अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कौन सा है, प्रभावी लक्षण है और ये अप्रभावी लक्षण है, जो F1 पीढ़ी में दबा दिया गया जबकि F2 पीढ़ी में उभर कर सामने आया। ओके,
तो लैंगिक जनन वाले जीवों में एक अभिलक्षण के जीन को दो प्रतिरूप होते हैं। इन प्रतिरूपों में एक समान न होने की स्थिति में जो अभिलक्षण व्यक्त होता है उसे प्रभावी लक्षण तथा अन्य को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है जब मटर के पौधों के एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर दो विकल्पी जोड़ों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाए, मतलब दो लक्षणों को एक साथ लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये बैंगनी फूल वाले और ये सफ़ेद फूल वाले के बीच में संकरण कराया जाता है। तो F1 पीढ़ी में बैंगनी फूल प्राप्त होते हैं जो कि क्या है, प्रभावी लक्षण वाला है। ठीक है, फिर उसका फिर से क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, स्वनिषेचन कराया जाता है। तो इसमें तीन जो पौधे प्राप्त होंगे वो बैंगनी फूल वाले और एक पौधा क्या होगा, मतलब F2 पीढ़ी का, वो सफ़ेद फूल वाला प्राप्त होता है। मतलब इसका अनुपात कितना होता है, 3:1 में प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा लक्षण होगा, प्रभावी लक्षण, और ये जो है वो अप्रभावी लक्षण के रूप में प्राप्त होता है। चलिए इसको और एग्जाम्पल से देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर एक और जो दो युग्म विकल्पी है ना जोड़े के एग्जाम्पल लिए गए हैं और उसी का अध्ययन किया गया है, इसमें संकरण कराया गया है। तो यहाँ पर गोल बीज वाले लंबे पौधे और वो यदि झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे से संकरण कराया जाता है तो प्राप्त संतति कैसी होगी। तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे और गोल बीज वाले प्राप्त होंगे। ठीक है, यहाँ पर गोल और हरे बीज वाले जो पौधे हैं उनको लिया गया है, यहाँ पर झुर्रीदार और पीले बीज वाले। ठीक है, तो F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे और गोल बीज वाले प्राप्त होंगे और इसलिए लंबाई और गोल बीज वाला प्रभावी लक्षण है। पर क्या होता है जब F1 पीढ़ी में, मतलब F1 संतति में स्वनिषेचन, मतलब स्वनिषेचन से F2 पीढ़ी की संतति प्राप्त होती है। तो मेंडल के द्वारा किए गए पहले प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि F2 संतति के कुछ पौधे गोल बीज वाले लंबे पौधे होंगे और कुछ झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे होंगे। ठीक है, F2 पीढ़ी में, यहाँ पर F1 पीढ़ी फिर F2 पीढ़ी। तो F2 संतति के कुछ पौधे गोल बीज वाले और लंबे पौधे होंगे और कुछ झुर्रीदार बीज वाले होंगे, बौने पौधे होंगे जो कि, परंतु F2 की संतति के कुछ पौधे नयोसंयोजन भी प्रदर्शित करेंगे। उनमें से कुछ पौधे लंबे पर झुर्रीदार बीज वाले और कुछ पौधे बौने परंतु गोल बीज वाले होंगे। इसलिए लंबे बौने लक्षण और गोल झुर्रीदार लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं एक बार और बताती हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो RRR लिखा है और YY मतलब राउंड एंड सॉरी हरे बीज, गोल और हरे बीज, यहाँ पर झुर्रीदार और पीले बीज दिया गया है, फिर क्रॉस कराया गया तो क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर हमको पीला और गोल बीज प्राप्त होता है F1 पीढ़ी में। फिर उसका क्रॉस कनेक्शन, मतलब फिर से कनेक्शन कराया जाता है। तो F1 पीढ़ी के जो संतति हैं उनको अगर फिर से अपने जनक से स्वनिषेचन या कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में क्या प्राप्त होंगे, 315 गोल और पीले बीज प्राप्त होंगे, 108 गोल हरे बीज प्राप्त होंगे, 101 झुर्रीदार पीले बीज प्राप्त होंगे, जबकि 32 जो है झुर्रीदार और हरे बीज प्राप्त होंगे। ठीक है, अगर इसको अनुपात में देखें तो 9:3:3:1 में प्राप्त होता है। ठीक है, जो कि टोटल होगा 16 और इधर टोटल करेंगे तो 556 बीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या था,
दो अलग अलग लक्षणों मतलब बीजों की आकृति और रंग की स्वतंत्र वंशानुगति। ओके चलिए आगे देखते हैं 9.2 का 3, यह लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। विभिन्न लक्षण किसी जीव में स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, संतति में नए संयोग उत्पन्न होते हैं और जीन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। तो चलिए इसको समझ लेते हैं फ्रेंड्स, अनुवांशिकता की कार्यविधि किस प्रकार होती है। तो कोशिका के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना स्रोत होता है, ठीक है। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उस प्रोटीन का को क्या कहते हैं, जीन कहलाता है, ठीक है, उसी को जीन कहते हैं। तो प्रोटीन जो है विभिन्न लक्षणों को अभिव्यक्ति को किसी प्रकार नियंत्रित करती है, इसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। जो प्रोटीन होता है वो अलग अलग लक्षणों की अभिव्यक्ति को किस प्रकार नियंत्रित करता है, तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। पौधों की लंबाई एक लक्षण को उदाहरण के रूप में लेते हैं। हम जानते हैं कि पौधों में कुछ हार्मोन होते हैं जो लंबाई का नियंत्रण करते हैं। कौन सा हार्मोन मैंने बताया था, ऑक्सिन हार्मोन, पिछले चैप्टर में बताया था मैंने, है ना। तो ये क्या करता है, लंबाई को नियंत्रित करता है और किसी पौधों की लंबाई में उपस्थित उस हार्मोन की मात्रा पर निर्भर करता है, ठीक है। तो पौधों के हार्मोन की मात्रा उस प्रक्रम की दक्षता पर निर्भर करेगी जिसके द्वारा ये उत्पादित होता है। ओके तो एंजाइम इस प्रकार के लिए, इस प्रक्रम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि ये एंजाइम या प्रकीर्ण जो है वो दक्षता से काम करेगा तो हार्मोन जो है पर्याप्त मात्रा में बनेगा और पौधा लंबा होगा। और यदि इस प्रोटीन के जीन में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं तो बनने वाला प्रोटीन जो है वो उसकी दक्षता पर प्रभाव पड़ेगा और वह कम दक्ष होगा। इसी कारण बनने वाले हार्मोन की मात्रा भी कम होगी और पौधा बौना होगा, ठीक है। तो इस तरह से जीन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। ओके क्या हुआ, जीन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, लक्षण मतलब ट्रेट्स बोलते हैं जिसको। तो यदि मेंडल के प्रयोगों की व्याख्या जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी चर्चा हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं, है ना। लैंगिक प्रजनन के दौरान जो संतति के डीएनए में दोनों जनक का समान रूप से योगदान होगा, ठीक फ्रेंड्स। यदि दोनों जनक संतति के लक्षण के निर्धारण में सहायता करते हैं तो दोनों जनक एक ही जीन की एक प्रतिकृति जो संतान को प्रदान करेंगे। इसका अर्थ यह है कि मटर के प्रत्येक पौधों में सभी जीन के दो सेट होंगे और प्रत्येक जनक से एक सेट की वंशानुगति होती है। तो इस तरीके को सफल करने के लिए प्रत्येक जनक कोशिका में जीन का केवल एक ही सेट होगा, ठीक है। तो जबकि सामान्य कोशिका मतलब कायिक कोशिका में जीन के सेट की दो प्रतियां होती हैं, दो कॉपीज होती हैं, फिर इससे जनक कोशिका में इसका एक सेट किस प्रकार बनता है। तो यदि संतति पौधे को जनक पौधे से संपूर्ण जीनों का एक पूरा सेट प्राप्त होता है तो जो मेंडल का प्रयोग है वो सफल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मुख्य कारण ये है कि दो लक्षण, ये वाला जो प्रयोग है वो सफल नहीं हो सकता। तो इसके लिए मैंने क्या बताया, दो लक्षण R और Y मतलब गोल और हरे बीज सेट में एक दूसरे से संलग्न रहेंगे और स्वतंत्र रूप से आहरित नहीं हो सकते, मतलब स्वतंत्र रूप से उभर नहीं सकते, ठीक है। तो इसे इस तथ्य के आधार पर समझा जा सकता है कि वास्तव में एक जीन सेट केवल एक डीएनए श्रृंखला के रूप में न होकर डीएनए के अलग अलग स्वतंत्र रूप में होते हैं और प्रत्येक एक गुणसूत्र कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, गुणसूत्र कहलाता है। इसीलिए प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की दो प्रतिकृतियां होती हैं जिनमें से एक नर और दूसरा मादा जनक से प्राप्त होता है। ओके तो प्रत्येक जनक कोशिका मतलब पिता का हो या माता का हो तो उसी से गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े का केवल एक गुणसूत्र ही एक जनन कोशिका मतलब युग्मक में आता है। ओके तो जब दो युग्मकों का संलयन होता है तो बने हुए युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या फिर से समान हो जाती है
और संतति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है जो स्पीसीज के डीएनए के स्थायित्व को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो वंशागतिकी की इस क्रियाविधि से मेंडल के प्रयोगों के परिणाम की व्याख्या हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका उपयोग लैंगिक जनन वाले सभी जीव करते हैं, है ना। जितने जीवों में लैंगिक जनन होता है वो सभी इसी विधि का प्रयोग करते हैं। और इसी प्रयोगों मतलब जो अलैंगिक जनन करने वाले जीव हैं उनमें वंशानुगति की में इन्हीं नियमों का पालन होता है। ठीक है, क्या हम पता लगा सकते हैं कि उनमें वंशानुगति की किस प्रकार होती है, किन में, अलैंगिक जनन में? बिल्कुल पता लगा सकते हैं, जो मेंडल के नियम थे है ना उसी के अनुसार। ओके, चलिए आगे देखते हैं 9.2.4 लिंग निर्धारण। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि लैंगिक जनन में भाग लेने वाले दो एकल जीव किसी न किसी रूप में एक दूसरे से अलग होते हैं, जिसमें कोई जिसके कई कारण हैं। ओके, तो नवजात का लिंग निर्धारण कैसे होता है, मतलब कोई शिशु है, गर्भस्थ शिशु है, उसका लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो अलग अलग स्पीसीज इसके लिए अलग अलग युक्ति अपनाते हैं। ठीक है, कुछ पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर करता है, इसलिए कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण निषेचित अंडे मतलब युग्मक के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है, इंक्यूबेशन पीरियड पर निर्भर करता है कि संतति नर होगी या मादा होगी। ठीक है, तो घोंघे जैसे कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, जो इस बात का संकेत है कि इनमें लिंग निर्धारण अनुवांशिक नहीं है। ओके, लेकिन मानव में लिंग निर्धारण अनुवांशिक आधार पर होता है। ठीक, दूसरे शब्दों में जो जनक जीव हैं, है ना, तो इन जीवों से वंशानुगत जीन ही इस बात का निर्णय करते हैं कि संतति लड़का होगा या लड़की होगी। ओके, पर अभी तक हम मानते रहे हैं कि दोनों जनकों से एक ऐसा जीन सेट संतति में पाया जाता है। यदि यह शाश्वत नियम है तो फिर लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? तो इसकी व्याख्या इस तथ्य में निहित है कि मानव के सभी गुणसूत्र पूरी तरह से युग्म में नहीं होते। ओके, मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। ठीक, मानव में क्या कहा मैंने, गुणसूत्रों के प्रतिरूप जो होते हैं वो बराबर जोड़ी में नहीं होते, मतलब युग्म में नहीं होते। इसकी संख्या 22 जोड़े है, कितने, 22 जोड़े, पर एक युग्म जिसमें जिसको लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जो सदा मतलब जोड़े में नहीं होता। ये स्त्रियों में गुणसूत्र का पूरा युग्म होता है इसमें, और इसके दोनों, मैं डायग्राम से समझाती हूँ। यहाँ पर कुछ लिखा है, इसको पहले पढ़ लेते हैं फिर समझेंगे। विभिन्न स्पीसीज में लिंग निर्धारण के कारक भिन्न भिन्न होते हैं। मानव में संतान का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि पिता से मिलने वाले गुणसूत्र एक्स लड़कियों के लिए अथवा वाई लड़कों के लिए किस प्रकार के हैं। तो कहने का ये मतलब है कि माता में दो एक्स गुणसूत्र होते हैं और पिता में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है। ठीक है, और नर में ये क्या बोलते हैं, पूरी तरह से जोड़े में नहीं होता, मतलब एक एक्स और एक वाई होता है। और इसमें गुणसूत्र का सामान्य आकार एक्स होता है और दूसरा गुणसूत्र जो कि वाई होता है वो थोड़ा छोटा होता है, जिसे वाई गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, और स्त्रियों में एक्स एक्स और पुरुषों में एक्स गुणसूत्र होता है, याद रखिएगा इसको। तो क्या अब हम एक्स और वाई का वंशानुगत पैटर्न पता कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है? सामान्यतः ये नर में एक्स और वाई, मादा में एक्स और एक्स, यहाँ पर स्पर्म, यहाँ पर एग। ठीक है, ये दोनों क्या है, युग्मक है, नर युग्मक, मादा युग्मक। फिर दोनों क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। ठीक है,
तो अगर यहाँ पर निषेचन के दौरान एक्स एक्स गुणसूत्र होगा तो लड़की मतलब मादा पैदा होगी, और एक्स वाई अगर एक साथ होते हैं तो नर संतति पैदा होगी। ठीक है, तो यही क्या है, मानव में लिंग निर्धारण का तरीका है। ओके फ्रेंड्स, सामान्यतः आधे बच्चे लड़के और आधे लड़की हो सकते हैं। सभी बच्चे चाहे वो लड़का हो या लड़की अपनी माता से एक्स गुणसूत्र ही प्राप्त करेंगे, और इसीलिए बच्चों का लिंग निर्धारण जो है इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है वो लड़की, और जिससे पिता से वाई गुणसूत्र प्राप्त होता है वो क्या होता है, लड़का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर चैप्टर 9 का ये फर्स्ट वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं। ठीक है, और अगला वीडियो कल देखेंगे। ओके, शायद कल में कंप्लीट हो सकता है चैप्टर 9। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट किया कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।